रोहित की कप्तानी में हुए बर्बाद 5 खिलाड़ियों को बेरहमी से निकाला। वैसे तो भारत को विश्व चैंपियन बनाने वाले कप्तान रोहित शर्मा का कोई जवाब नहीं। रोहित के जैसा दुनिया में कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं। रोहित अच्छे इंसान के साथ में अच्छे कप्तान भी साबित हुए हैं। यही वजह है कि उनको भारतीय क्रिकेट के फैंस सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जिस तरीके से धोनी पर आरोप लगे कि उन्होंने कई खिलाड़ियों का करियर बर्बाद कर दिया, वैसा ही आरोप रोहित शर्मा पर भी अब लग रहा। दरअसल रोहित ने इन 5 खिलाड़ियों को अपनी कप्तानी में बाहर का रास्ता दिखाया। एक खिलाड़ी तो टीम के लिए दूसरा इरफान पठान बन सकता था, मगर उसको फटका मारकर बाहर कर दिया गया। नंबर 5, संजू सैमसन। संजू सैमसन एक बेहतरीन विकेटकीपर और बेहतरीन बल्लेबाज हैं। संजू सैमसन की अगर बात करेंगे तो सबसे काबिल खिलाड़ियों में इनकी गिनती होती है, मगर जब मौके की बात आती है तो संजू को पर्याप्त मौके कभी नहीं मिले। ऋषभ पंत, केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया, मगर अच्छी बल्लेबाजी करने वाले संजू सैमसन के लिए टीम में दरवाजे ज्यादातर मौके पर बंद रहे। रोहित शर्मा की कप्तानी मिलने के बाद संजू सैमसन ने अच्छा प्रदर्शन किया, मगर इसके बावजूद इनको बहुत बार टीम से बाहर रहना पड़ा। कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि ऋषभ पंत को बचाने की वजह से संजू का करियर बर्बाद किया गया। अब इसमें क्या कुछ सच्चाई है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। नंबर 4, विजय शंकर। विजय शंकर को 2019 के विश्व कप में भारतीय टीम में शामिल किया गया था, मगर जिस तरह का उनका प्रदर्शन था, चारों तरफ उनकी आलोचना की गई। लेकिन रोहित शर्मा ने भी दिखा दिया कि ऐसे खिलाड़ियों के लिए टीम में कोई जगह नहीं। रोहित के कप्तान बनने के बाद विजय शंकर ने लाख कोशिश की, मगर रोहित ने इनको टीम में मौका नहीं दिया। हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों को चमकाया, शिवम दुबे को भी आगे बढ़ाया, मगर विजय शंकर के लिए टीम के रास्ते हमेशा के लिए उन्होंने बंद कर दिए। नंबर 3, शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर को एक वक्त में भारतीय टीम के लिए अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जा रहा था, और क्या कमाल की गेंदबाजी उनकी तरफ से होती थी। विकेट के वक्त में काफी भरोसेमंद खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर रहे, लेकिन जब रोहित के हाथ में कप्तानी आई और शार्दुल ठाकुर का प्रदर्शन खराब हुआ, तो एक बार भी रोहित शर्मा ने उनके बारे में नहीं सोचा। शार्दुल ठाकुर की ताकत थी कि रन भी बना सकते थे, मगर धीरे धीरे इनको हमेशा के लिए टीम से बाहर कर दिया गया। अब टीम इंडिया में इनके लिए वापसी का कोई रास्ता बनता दिखाई नहीं पड़ रहा। नंबर 2, उमेश यादव। उमेश यादव की जबरदस्त गेंदबाजी को कौन भूल सकता है। उमेश यादव ने 2019 के क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 10 ओवर में 46 रन देकर 3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से टीम जीत पाई थी। मगर इस तेज गेंदबाज के साथ धीरे धीरे अन्याय होता रहा। विराट कोहली की कप्तानी में अंदर बाहर हुए, मोहम्मद सिराज ने इनको रिप्लेस किया। शमी पर तूफान के आने के बाद इस खिलाड़ी के लिए टीम के रास्ते बंद हो गए, लेकिन आज भी हर कोई चाहता है कि इस तेज गेंदबाज को टीम में रखा जाए। नंबर 1, भुवनेश्वर कुमार। टीम इंडिया के लिए स्विंग के किंग कहे जाने वाले भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी को पूरी दुनिया याद करती है। धोनी के सबसे काबिल गेंदबाजों में भुवनेश्वर कुमार की गिनती होती है। भुवनेश्वर कुमार को उनकी सटीकता, स्विंग और डेथ ओवरों में गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ 2012 में हुए एक मैच में भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट लिए थे, जिसकी बाद टीम में इनकी जगह लंबे वक्त तक बनती रही, मगर रोहित के कप्तान बनने के बाद इनके लिए मुश्किलें बरहट गईं। इन्होंने 2022 में अपना आखिरी वनडे मैच खेला, और आपको बताएं कि वनडे की कप्तानी 2022 में ही रोहित को मिली। जबकि T20 की बात करें तो 2022 में आखिरी T20 मैच भी इन्होंने खेला, मगर उसके बाद उनकी वापसी आज तक नहीं हो पाई। दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार की स्विंग गेंदबाजी पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है इस खिलाड़ी को मौके और मिलनी चाहिए? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।